छिंदवाड़ा जिले से अचानक दो बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। बच्ची अपनी मां से रुपए लेकर सामान खरीदने गई हुई थी, इसके बाद घर नहीं लौटी। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस के सर्चिंग अभियान से पता चला कि वह अपने पिता के पास है। बच्ची से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे अपने पिता की याद आ रही थी, इसीलिए वह अकेली बस में बैठकर पिता के पास आ गई। वहीं दूसरी नाबालिग बच्ची साइकिल चलाने के दौरान गायब हो गई। पुलिस की टीम बच्ची को तलाशने में जुटी हुई है। मेरी बच्ची सुबह 9 बजे से घर से लापता है, साइकिल चलाने के लिए निकली थी और लौटी नहीं फिर वापस। कितनी साल की बच्ची थी, क्या नाम था? 11 वर्ष की है। साइकिल चला रही हूँ, मम्मी को बोल के गई थी साइकिल चला रही हूँ, उसके बाद लौटी नहीं घर में। कितने बजे उठी वो बिस्तर से उठ के बाहर निकली और मम्मी बोले मैं साइकिल चलाने ऊपर जा रही हूँ, बोले इधर ऊपर रास्ता है ऊपर जा रही हूँ बोले, और मैं पानी भर रही थी इधर ये रूम में यहाँ पे पानी भर रही थी मैं जी, ऊपर जा रही हूँ। मैंने बोली बेटा धूप पे साइकिल मत चला, मम्मी बोले 2 राउंड लगा के आती हूँ बोले, तो मैंने ठीक है जा, वो चप्पल पहनी उनने और ऊपर गई वो। तो 5 मिनट बाद मैंने देखी कि मेरी साइकिल की आवाज़ नहीं आ रही है, फिर मैं ऊपर गई देखने उसको, तो वो दिखी नहीं। वो मेरे को लगा मंदिर जाती है पूजा करने, मंदिर में जाके देखी वहाँ भी नहीं दिखी, फिर आई फिर ऊपर जाके देखी तो वो पीछे का गेट खुला था। तो रिसोर्ट में एक बच्ची थी लगभग 11 साल की, वो सुबह बिना बताए कहीं चली गई है। सीसीटीवी कैमरे और बाकी फुटेज वगैरह देखे हैं, उसमें वो पैदल अकेले जाती हुई दिखी है, और अभी इसमें FIR कर ली गई है और जल्दी ही हम बच्ची को दस्तक कर लेंगे।